एक्टिंग किंग निवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान से जाने जाते हैं, क्योंकि निवाजुद्दीन के आने के बाद एक्टिंग के रूल्स ही चेंज हो गए हैं। अब एक्टर बनने के लिए ऊंचे कद और अच्छे फेस की जरूरत नहीं है। निवाजुद्दीन भाई ने दुनिया को ये बता दिया कि बंदे में टैलेंट होना चाहिए, ये दुनिया सलाम करेगी। अगर निवाजुद्दीन भाई सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो वहीं पर उनकी जिंदगी का वो कठिन भरा वक्त भी था जब उनको एक मूवी से निकाल दिया गया था, और ऐसा करने से निवाजुद्दीन भाई बहुत ही ज्यादा रोए थे। कौन सी थी ये मूवी और क्यों निकाला गया निवाजुद्दीन भाई को, ये सब जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बॉलीवुड की लेटेस्ट और दिलचस्प न्यूज के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। एक्टर निवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने उस समय को याद करते हुए भावुक हो गए जब उन्हें कमल हसन की एक फिल्म से निकाल दिया गया था, और इस फिल्म का नाम था हे राम। ये मूवी 18 फरवरी 2000 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। कमल हसन की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने काम किया था। जब निवाजुद्दीन भाई को इस मूवी से निकाला गया था तो निवाजुद्दीन सिद्दीकी फूट फूट कर रोने लग गए थे। निवाजुद्दीन ने कहा, मुझे याद है कमल जी की बेटी श्रुति मुझे सांत्वना दे रही थी। इसके बाद निवाजुद्दीन ने कहा, उन्होंने मेरा रोल काट दिया था लेकिन मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं था। जाहिर सी बात है, अगर किसी की भी मेहनत व्यर्थ चली जाए तो दुख होता ही है। आप में से किन किन ने हे राम मूवी देखी है कमेंट बॉक्स में बताएं। निवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कुछ समय पहले एक वेब सीरीज में काम किया था, उस वेब सीरीज का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप भी निवाजुद्दीन भाई की एक्टिंग के दीवाने हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ।